नमस्ते। आज मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। इसके लिए मैंने एक कप बेसन, आधा कप से आधे कप दही, दो चम्मच भर नींबू लिया। बेसन को डाल देना है पूरे में, उसमें दही डाल देना है आधे कप दही, थोड़ी सी चुटकी भर मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी देना है ज़्यादा नहीं, एक चम्मच भर चीनी, डालकर पानी डाल देना है, फिर नींबू का रस डाल देना है, मिक्स कर लेना है इस तरह से, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। बैटर को ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बनाना है, बिल्कुल इस तरह से बनाना है, देख लीजिए। मिक्स हो गए, अब इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख लेना है। इसको एक बर्तन लेना है बड़ा सा, आप इसे कढ़ाई ले सकते हैं, इसमें पानी डाल देना है, इस तरह से स्टीम कर देना है और पानी को गर्म होने देना है। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसमें ये घोल, अब इसमें जीरा डाल देना है, जीरा डालकर मिक्स कर लेना है। एल्यूमिनियम का बर्तन लेना है, इसमें तेल डाल के चारों तरफ से लगा लेना है, उसको चारों तरफ से तेल लगा दिया है, इस पर बैटर डाल देना है, बैटर को डाल दिया, अब इसे गर्म पानी में डालना है, इस तरह से ढक देना है और ढक देना है 15 मिनट तक की, जब तक तेल डालना है, फिर ग्रेवी के रख लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा ऐसे डाल देना है, एक चम्मच चीनी डाल देना है, थोड़ा सा आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देना है एक चम्मच, दो मिनट से होने देना है, बनकर तैयार हो गया है, अब इसको ठंडा होने देना है। ढोकला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, साइड से निकाल लेना है,
को पलट कर निकाल लेना है। मेरा ब्रेड बहुत अच्छे से बन के समोसा तैयार हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ठंडा होने देना है, फिर काट लेना है। काट कर ग्रेवी को ऊपर से डाल देना है। ये पूरी तरह से ढोकला बनके तैयार हो गया है।